Welcome to this video session in which we are going to discuss the important editorial articles from 9 January 2019. So, the 9 January ka newspaper tha, Hindu or Indian Express, dono mein, there were many articles that were related to the recent development of 10% reservation to economically backward classes in the uppermost caste of the country. सो उनकी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पॉपुलेशन है उसको 10% जो रिजर्वेशन एक्सटेंड किया है उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल आए थे अखबार के अंदर. तो हमने उनमें से तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को शॉर्टलिस्ट किया है. पहला आर्टिकल का नाम है द ब्लैक होल इन आवर कॉन्शियसनेस, वो इंडियन एक्सप्रेस का है. और जो दूसरे दो आर्टिकल्स हैं वो हैं कोटा क्वेश्चंस हिंदू का और 10% कोटा फेसेस लीगल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस हिंदू का. तो इन तीन आर्टिकल्स के थ्रू हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर कवर करेंगे यहाँ पे कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद रिजर्वेशन इन द कंट्री. जो पहला आर्टिकल है ब्लैक होल इन आवर कॉन्शियसनेस, इट टॉक्स अबाउट कि व्हाई डज द सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द दलित्स आर स्टिल प्रिवेलेंट इन द कंट्री एंड व्हाई द अपर व्हाई द अर्बन एलाइट और द अर्बन पॉपुलेशन इज शोइंग एन अपैथी एंड इंडिफरेंस टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द दलित्स. ऑलराइट. और जो बाकी दो क्वेश्चन दो टॉपिक्स हैं दैट इज कोटा क्वेश्चंस एंड 10% कोटा फेसेस लीगल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस, इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर 10% रिजर्वेशन इन नियर फ्यूचर. चलिए पहले आर्टिकल को चेक करते हैं. जो पहला आर्टिकल है दैट इज द ब्लैक होल इन आवर कॉन्शियसनेस, ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअली बात करता है कि जो हमारी अर्बन एलाइट पॉपुलेशन है इट इज़ टोटली इंडिफरेंट टू द प्लाइट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड सोशली डिलेपिटेटेड पीपल इन द कंट्री. ऐसा क्यों है? ऑलराइट, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे. लेकिन ऑथर इस सेक्शन में भी ये बताते हैं कि देखिए जो अभी जो अर्बन क्लास जो है इंडिया की दैट इज़ शोइंग एन अपैथी टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द दलित्स. This is very much in contrast to the principles on which our freedom struggle was based. And secondly, जो 19th and 20th century के अंदर important social and religious movements हुए थे, they were all targeting the caste system and the discrimination associated. तो इसके वजह से जो हमारे यहाँ पे urban population जो indifference show कर रही है दलित्स के towards जो discrimination और उससे, it is quite disturbing trend. चलिए आगे बात करते हैं. तो जो अपर कास्ट है वो एक अपैथी डेवलप करती है टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ द दलित्स बिकॉज दे बिलीव दैट द प्रोटेक्शन टू द दलित शुड कम फ्रॉम नॉट द अर्बन एलाइट बट फ्रॉम द कोर्ट्स द पुलिस द गवर्नमेंट एंड द अदर लॉज एंड लेजिस्लेशंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, एंड इट बिकम्स वेरी डिस्टर्बिंग. दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट बिकम्स वेरी डिस्टर्बिंग बाय द फैक्ट दैट when the Savarnas or the upper caste can embrace the issues like the LGBT movement and the hashtag Me Too movement, then why can't they embrace the fight for justice to the rights of the Dalits who are facing discrimination and have been facing discrimination in the past many years of our existence. All right. Now coming to the next section, in the next section, jo author hai, he talks about ki what are the reasons behind the apathy ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, कि अर्बन पॉपुलेशन के इंडिफरेंस के पीछे क्या कारण है. देखिए पहला कारण तो यह है कि जो हमारे लॉज हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी तरह के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए बहुत ही सीवियर पनिशमेंट देता है. सो पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि जब कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज हैं बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के साथ तो वी नीड नॉट गेट इन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ अपने आप जो दलित हैं उनके अपलिफ्टमेंट का काम कर देंगे. जो दूसरा रीज़न वो ये है कि जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसके अंदर एब्सोल्यूट एंड ओवर्ट कास्टिज्म इज़ नॉट विजिबल. ऑलराइट, सो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि आप और हम सब अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, तो अर्बन एरियाज़ में रहते हुए क्या अभी कभी आपने सोचा है कि आपके पड़ोस में कौन सी कास्ट के रेजिडेंट्स हैं या आपके दो घर छोड़ के कौन सी कास्ट के रेजिडेंट्स हैं? तो जो अर्बन पॉपुलेशन है इट हैज़ बेसिकली अडॉप्टेड अ लाइफस्टाइल इन विच द कास्ट डज नॉट हैव एनी प्लेस. ऑलराइट, सो when there is no overt casteism that is visible in our society, we cannot embrace the fight. All right, so ye dusra karan hai. Aur jo teesra karan hai reservation, jo teesra karan hai jiski wajah se there is no empathy being shown by the urban ally towards the cause of dalit discrimination, wo ye hai ki people have adopted this idea ki reservation is one stop solution for all the problems being faced by the dalits. चलिए आगे बात करते हैं. अगले सेक्शन के अंदर जो ऑथर हैं वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं अबाउट द इंडिफरेंस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया
and the empathy shown by the white population or the majority population in countries like South Africa, Brazil and United States towards their blacks. All right, तो जो author है वो कहते हैं कि देखिए जो white population है, जो white population थी in South Africa, Brazil and United States at the time when apartheid was in place in these countries, these people supported the white people. There was a section of white people that supported the cause of the blacks through civil rights. They supported the cause of the blacks through affirmative action. They supported the cause of the blacks through workplace diversity and also black empowerment. All right, and the whites reformed their morally wrong past. जबकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो educated people हैं, जो urban elites हैं, they are not showing any compassion and empathy to Dalits. But वो क्या कर रहे हैं, they are turning their blind eye towards them. They are becoming indifferent to their historical discrimination. They are becoming indifferent to their historical discrimination. All right. Now, जो ऊपर की तीनों सोसाइटी हैं, that is South Africa, Brazil और United States, इन्होंने रिकग्नाइज किया कि देखिए जो गवर्नमेंट और लॉ है ये सिर्फ ऑस्टेंसिबल और ओवर्ट, जो साफ साफ दिखता है, सिर्फ उसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर पाते हैं. जो डिस्क्रिमिनेशन अंदर छुपा हुआ होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन हिडन फॉर्म में होता है, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड अनटिल एंड अनलेस द एंटायर सोसाइटी एब्जॉर्ब्स द डिस्क्रिमिनेशन दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द वीकर सेक्शन. और इन आवर सोसाइटी हिडन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द दलित विल कंटिन्यू इफ द urban population shows indifference and apathy towards the cause of the dilapidated Dalit population. All right. Now, in the section 4, the jo author hai, he is talking about ki dekhi, in our society, in our contemporary country society, there are many things, many kind of subtle forms of discrimination that are being faced by the Dalits. For example, many Dalits who are entering into the school, they are the first of their family who are entering the school. जब वो school जाते हैं, they do not know English. उनको daily के basis पे brand किया जाता है. उनको बोला जाता है, उनको अलग बिठा दिया जाता है class से. Then they are discriminated for not being good in English. फिर उनके साथ discrimination किया जाता है by because they are poor and from rural origin. उनको क्लासरूम साफ करने की ड्यूटी दी जाती है. ऑलराइट, इन कॉरपोरेट सेक्टर जो है, कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट डन ऑन द बेस ऑफ कास्ट बट एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड एंड द कम्युनिटी बैकग्राउंड लाइक कमेंट्स. ऑलराइट, देन हायर एजुकेशन में जो दलित्स हैं, दे हैव टू, जो दलित स्टूडेंट्स एफर्ट लगा के अपनी डिग्री पूरी करते हैं और बिकॉज दे आर फ्रॉम वीकर सेक्शन, दे आर फ्रॉम रूरल सेक्शन, उनकी डिग्री थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है. तो ऐसे दलित पॉपुलेशन जिनकी डिग्री एक्सटेंड हो जाती है, उनको अंकल के नाम से चढ़ाया जाता है. ऑलराइट, एंड दे आर हाईली डिस्क्रिमिनेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यूज एंड एग्जामिनेशंस. सो दे आर वेरियस सटल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच आर प्रिवेलेंट इन आर कंट्री एंड दीज कैन नॉट बी मिटिगेटेड जस्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट बाय लॉज, जस्ट बाय कोटा. द सोसाइटी एज अ होल हैज टू एम्ब्रेस द दलित पॉपुलेशन टुगेदर. ऑलराइट, दे हैव टू शो द कॉज ऑफ, they have to show empathy, they have to show compassion and not apathy or indifference. Apart from that, there was a research which has conducted and said that many students who commit suicide in India are mostly of Dalit origin, and this was very much evident in the case of Rohit Vemula. And all this is known as the soft discrimination. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. जो author है वो कहते हैं कि जो United States और South Africa है, वहाँ पर जो majority है, उसने हिम्मत दिखा के, उन्होंने जो गलत किया है पास्ट में उसको एक्सेप्ट किया और उसको मॉरली करेक्ट करने की कोशिश करी. लेकिन इन इंडिया में ये चीज़ मिसिंग है. क्यों मिसिंग है? क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है, वो मानती है कि जो कास्ट सिस्टम है, चलो वो गलत है, बट इट इज़ द रेमिफिकेशन ऑफ समथिंग विच वॉज वेरी बिनाइन. इट इज़ अ रेमिफिकेशन ऑफ समथिंग विच इज़ रैशनल. और वो जो रैशनल है, दैट इज़ द डिविजन ऑफ लेबर एंड द वर्णा सिस्टम. ऑलराइट, और इंडिया में बहुत सारी ऐसी लिटरेचर है जो कास्ट सिस्टम को ख़राब नहीं बताती. ऑलराइट, चलो हमारे पास इतनी लिटरेचर नहीं है जो कास्ट सिस्टम को ख़राब बताती, बट हमारे पास इतनी ज़्यादा लिटरेचर है जो रैशनल बेसिस बताती है डिवीजन ऑफ लेबर और वर्णा सिस्टम का. सो देयर इज़ ऑल्सो डर्थ ऑफ अवेलेबल लिटरेचर टू सपोर्ट फॉर द क्लेम्स दैट दलित्स वर हिस्टोरिकली डिलेपिटेटेड कंडीशन. चलिए,
सेक्शन 5 में जो ऑथर हैं वो कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करते हुए वो कहते हैं कि जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगी पूरी सोसाइटी, कास्ट सिस्टम के जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके साथ आप फाइट नहीं कर सकते, एंड दे विल रिमेन ट्रेजिकली इनकम्प्लीट, ऑलराइट, और वी विल नेवर बी एबल टू एस्टेब्लिश आवर सेल्फ एज अ सिविलाइज लिबरल डेमोक्रेसी, एंड इट इज़ इक्वलेंट टू से दैट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, फिर जो भी बेनिफिट आप दलित्स को प्रोवाइड करेंगे दैट विल ओनली फ्रैक्चर इंडियाज स्टेबिलिटी. सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल दैट वॉज टाइटल्ड एज द ब्लैक होल इन आर कॉन्शियसनेस. नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड आर्टिकल ऑन द सेम इशू दैट इज 10% रिजर्वेशन जो बिल गवर्नमेंट लेके आई है. इस आर्टिकल का नाम है कोटा क्वेश्चंस, एंड द कंटेक्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज दैट कि ये जो 10% रिजर्वेशन बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस. ऑलराइट, नाउ इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल द वेरियस चैलेंजेस दैट आर बीइंग टॉक्ड अबाउट कि ये जो बिल है अपने नियर फ्यूचर में फेस करेगा वो ये है कि पहला जो चैलेंज ये फेस करेगा वो ये दैट इज कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इंदिरा सानी 1992 का जो केस था उसमें साफ साफ बोला था कि रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 50%, दैट इज यू कैन रिजर्व एट द मैक्स 50% ऑफ द सीट्स फॉर एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन एंड रिमेनिंग 50% हैव टू बी अनरिजर्व्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंदिरा सानी केस था जजमेंट 1992 का उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था दैट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस सोल्ली कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ क्राइटेरिया फॉर एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस has to be preceded by social backwardness. पहले social backwardness देखी जाएगी, फिर economic backwardness देखी जाएगी, फिर reservation extend होगा. But इस case के अंदर there is no social backwardness as the reservation has been extended to the upper caste. All right? Apart from that, another thing that is being talked in this particular article by the author is that कि जो इन्होंने 8 लाख का criteria setup किया है, यानी 8 लाख से नीचे जो अपर कास्ट के जो इंडिविजुअल्स हैं दे विल बी एलिजिबल फॉर 10% रिजर्वेशन, एंड 8 लाख वॉज द लिमिट टू डिस्क्रिमिनेट द क्रिमिलेयर फ्रॉम नॉन क्रिमिलेयर इन द अदर बैकवर्ड क्लासेस. यानी आपने क्या किया, 8 लाख से नीचे सोशली बैकवर्ड क्लास को इक्वल कर दिया सोशली अपवर्ड क्लास के साथ. सो एन अनईजी पैरिटी हैज़ बीन सेटअप इन दिस पर्टिकुलर कंपेरिजन. अपार्ट फ्रॉम दैट द बिल इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन टू द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच इज ऑलरेडी वेल रिप्रेजेंटेड इन द एम्प्लॉयमेंट. ओके, देन एंड लास्ट इज दैट रिजर्वेशन इज अ मेजर टू अंडू द हिस्टोरिक पास्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 124 डज नॉट फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट. सो दीज आर द वेरियस चैलेंजेस दैट हैव बीन मैंशन इन दिस आर्टिकल दैट सेज दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल 124th अमेंडमेंट बिल जो है दैट इज गोइंग टू फेस सच लीगल एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस और चैलेंजेस इन नियर फ्यूचर. जो तीसरा इनफैक्ट अब जो चौथा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द 10% रिजर्वेशन, एंड इट टॉक्स अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट जिसमें राज्यसभा ने जो राइट टू एजुकेशन का अमेंडमेंट बिल 2019 था उसको पास कर दिया, एंड दिस अमेंडमेंट हैज़ एक्चुअली रिमूव्ड नो डिटेंशन पॉलिसी. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये क्या बात करता है, ये कहता है कि देखिए जो नो डिटेंशन पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस करी थी क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेगुलर फेलिंग इन द क्लासेस अ लॉट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वॉज ड्रॉपिंग आउट द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल. ऑलराइट, मतलब जैसे तीसरी में बच्चा 2 बार फेल हो गया, 5वीं में 2 बार फेल हो गया, तो पेरेंट्स सोचते थे ये निकम्मा, ये पढ़ेगा नहीं, इसको हम स्कूल ही नहीं भेजते, और उस स्कूल से ड्रॉप आउट करवा देते थे. तो जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस करा था कि 8वीं तक बच्चे को आप फेल कर ही नहीं सकते. ऑलराइट, एंड ही हैज़ टू अंडरगो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन थ्रू फ्रॉम क्लास 1 टिल क्लास 8 के बाद में एग्जामिनेशन लीजिए, पास होता है तो ठीक है, फेल होता है तो डिटेन कर लीजिए. ऑलराइट, नाउ जो नो डिटेंशन पॉलिसी है और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, नाउ दे आर बीइंग रिमूव्ड एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि इन दोनों को, नो डिटेंशन पॉलिसी और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को कल्प्रिट माना गया है ऑफ द पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. मतलब हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि बिकॉज ऑफ द नो डिटेंशन पॉलिसी एंड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन अ 7th क्लास स्टूडेंट कैन नॉट इवन सॉल्व अ बेसिक एरिथमेटिक प्रॉब्लम ऑफ 4th क्लास क्वेश्चन. ओके, सो
अगले सेक्शन में जो ऑथर है वो बात करते हैं कि अगर आप नो डिटेंशन पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन को कल्प्रिट बनाते हैं फॉर द पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इट इज़ इक्विवेलेंट टू से कि आप मैसेंजर को ही शूट कर रहे हो। नो डिटेंशन पॉलिसी और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन सिर्फ इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इट हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड एट वेरियस प्लेसेस वर्ल्ड वाइड। वहाँ पर इसने काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट शो किया है। There is something wrong apart from NDP and CCE in the country that has prevented the success in the education system of India. और वो चीज़ क्या है वो हमें rectify करनी है और वो हमें correct करनी है। वो जो कमियाँ हैं they are not NDP and CCE, they are number one, there is a shortage of teachers in the country. 5 lakh teacher shortfall है, 5 lakh teachers की shortfall है primary education के अंदर। अराउंड 50% टीचर्स की शॉर्टफॉल है अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट रन स्कूल्स। देन टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं क्योंकि एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स आर नॉट प्रेजेंट। ऑलराइट, टीचर्स को ट्रेन ही नहीं किया आपने, टीचर्स को पता ही नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन में आप क्या किन पैरामीटर्स पे स्टूडेंट्स को जज करेंगे। टीचर्स को पता ही नहीं था कि व्हाट वाज द हार्ट एंड सोल ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी। हमारे यहाँ पे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ का जो करिकुलम है दैट इज़ टोटली अनइंस्पायरिंग। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस देर इज़ अ पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड नॉट बिकॉज ऑफ द नो डिटेंशन पॉलिसी और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ऑलराइट, कंक्लूजन में जो ऑथर वो कहते हैं कि देखिए डिटेंशन भले ही डिटेंशन विल एक्चुअली रिजल्ट इन टू डैमेज टू द मोरल ऑफ द स्टूडेंट, और क्योंकि जो उनका मोरल डैमेज होगा इट विल रिजल्ट इन टू अगेन इंक्रीज इन द ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स गोइंग टू द स्कूल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तक कोई भी ऐसी स्टडी ने कंफर्म नहीं किया है दैट लर्निंग द सेम करिकुलम अगेन एंड अगेन विल रिजल्ट इन टू ग्रेटर लर्निंग आउटकम्स। सो दिस इज वॉट द ऑथर ट्राइज टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल दैट इज सिस्टमेटिक failure. So the first three articles that we discussed were related to the 10% reservation to economically backward upper caste people, and the fourth article that was related to the right to education amendment bill 2019. So that's all from this particular video. I'm sure that it was a good learning experience for you. Download the PDF from the link given in the description. So that's all from this video. Keep tuned to this platform for such wonderful videos. Have a great day ahead. Take care. Bye.